इस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए थे और भगवान राम जैसे ही प्रकट हुए पूरे अयोध्या में आनंद आ गया। अयोध्या में आनंद भयो, जय जय श्री राम। इस प्रकार से सब लोग भगवान का गुणगान गाने लगे। सूर्य देवता भी जब तक आवाज शांत नहीं होगा तब तक कथा नहीं होगी। आप लोग अगर बातें करना था बातें कर सकते हैं। भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये चारों पुत्र अयोध्या में प्रकट हुए। सूर्य देवता कहते एक महीने तक सूर्य देवता वहां पर रुक गए और एक महीने तक सूरज दिन ही रहा, एक महीने तक दिन रहा क्योंकि सूर्य देवता वहीं पर थे। कहते इस प्रकार से भगवान राम इस धरातल पर प्रकट हुए और संसार के जीवों जीवात्माओं को सिखाने के लिए। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु आपका इस संसार में क्यों जन्म हुआ है, प्रागट्य क्यों हुआ है, आपका अवतार राम के रूप में क्यों हुआ है। कहते आपन आचरित प्रभु जीवे रसिकाए। कहते मनुष्य जीवन में रहकर कैसे सहन करके जीवन में जीना है ये सब कुछ भगवान राम ने सिखाया है। बोलने में, चलने में, खाने में, वस्त्र पहनने में, हर चीज में भगवान ही हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन में भजन करना है, भक्ति करना है, त्याग से जीवन जीना है। कहते हैं वस्त्रों के विषय में जब सीता जी का विवाह शादी हुआ था और शादी करके जब फिर अयोध्या में जब पधारे जब उनके शरीर का एक भी अंग नहीं दिख रहा था सीता जी के, इतनी मर्यादा पहले के लोगों में थी लेकिन अभी कोई ऐसा मर्यादा देखा नहीं जाता है। लेकिन सीता जी का चरित्र में वर्णन आता है रामचरितमानस में कि सीता जी जब आते थे तो शरीर का एक भी अंग नहीं दिख रहा था। और इसके वर्णन में आता है जब लक्ष्मण जी को जब सीता जी का जब हरण हुआ था तो जटायु ने कुछ गहने दिए थे, मालूम है ज्वेलरी दिया था, देखो लक्ष्मण देखो ये तुम्हारी भाभी के ज्वेलर सब गहने हैं, हार था गले का, हाथ के कड़े थे, सब कुछ था। और लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण जी देखो तुम जानते हो ना, लक्ष्मण जी कहा मैं इनमें से एक भी गहना नहीं जानता, मैं हाँ एक नुपुर जानता हूँ, जो पैर की नुपुर है ना वो मैं जानता हूँ, ये मेरे भाभी की। इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी सीता जी के चरणों में उनकी दृष्टि हमेशा रहती थी। और
इस प्रकार से माँ सीता ने अपने जीवन में बहुत त्याग से जीवन जिया है। इस प्रकार से मर्यादित जीवन जीना चाहिए। वाल्मीकि विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र जंगल से अयोध्या में आए और भगवान राम लक्ष्मण ये सब लोग बड़े हुए, तब विश्वामित्र जब आए तब दशरथ राजा ने बहुत सुंदर उनका मेहमान गति किया, उनके चरण धोए और उनको सुंदर भोजन करवाया। तब कहा कि आपका यहाँ पर आगमन होने का क्या कारण है? तब विश्वामित्र ने कहा, जंगल में ताड़ का सुबाहु जैसे बड़े बड़े राक्षस हमारे यज्ञ को विध्वंस करते हैं, तो आपके दो बेटों को हमारे साथ भेजिए। आपके बेटे बहुत सुरवीर है और आपके बेटों को मैं अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाऊंगा, पूरे वेदों का ज्ञान दूंगा, और जब दोबारा लौटाऊंगा तो आपके बेटे बहुत ही विद्वान बन जाएंगे। तब दशरथ राजा को बहुत दुख हुआ कि आपको चाहिए तो मैं, आपको चाहिए तो सेना दे दूं, चाहिए तो मैं आऊं युद्ध करने के लिए, लेकिन मेरे प्राण से भी प्रिय राम और लक्ष्मण को मैं नहीं दे सकता। तब विश्वामित्र ने कहा, ऐसे आप पुत्र मोह में आसक्त मत हो और तुम्हारे संतानों को मुझे दीजिए। तब 11 वर्ष के राम और लक्ष्मण ये दोनों को विश्वामित्र ले जाते हैं, और जैसे ही रास्ते में ताड़ का सुबाहु मारीच जैसे असुरों को भगवान मारते गए और रास्ते में एक उन्होंने एक जंगल में एक दृश्य देखा कि एक कुटिया थी और कुटिया में एक पत्थर की स्त्री हाथ जोड़े हुए खड़ी थी, पत्थर की कन्या। भगवान राम जानते थे कि ये कौन है, अहल्या है, तब लेकिन भगवान अपने गुरुदेव को पूछते हैं कि गुरुदेव ये क्या है, कौन है? आश्रम एक दिख मग माही जीव जंतु तह नाही। इतना सुंदर आश्रम है लेकिन कोई जीव रहता नहीं है और ये पत्थर की स्त्री है, कौन है? तब कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस ऊपर देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, गौतम मुनि की ये पत्नी है जिसका नाम अहल्या है, और ये नारी पाप वश नहीं श्राप वश, इसे श्राप लगा है इसलिए यहाँ पर पत्थर बनकर पड़ी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे सब जानना है। तब गौतम मुनि वो कथा करते हैं और कथा करते कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक कन्या को प्रकट किया था जिसका नाम अहल्या था, और अहल्या इतनी सुंदर दिखती थी कि अहल्या से सब लोग विवाह करना चाहते थे, इतनी सुंदर अहल्या दिखती थी। तब ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी कि इस स्त्री के अंदर जिसकी आसक्ति मोह ममता न हो उसके साथ में इसका विवाह कराऊंगा। सब देवता सोच में पड़ गए, इंद्र तो सोचने लगा कि मैं ही इससे शादी करूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और गौतम ऋषि मुनि के साथ इनका विवाह हुआ। और दोनों लोग गंगा नदी के तट पर आश्रम बनाकर दोनों लोग रहने लगे। अहल्या तो बहुत परम पवित्र स्त्री है और 7 नारियों में अहल्या का नाम है, अहल्या मंदोदरी, इस प्रकार से सतियों में नाम आता है। अहल्या और गौतम मुनि पवित्र जीवन जीते थे और गौतम ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह में 4 बजे उठकर गंगा स्नान करके भगवान का ध्यान करना, तप करना, ये करते थे। तब एक समय की घटना है कि इंद्र देवता बहुत कामी व्यक्ति था और उसकी इच्छा हुई कि मैं इसका अहल्या के साथ संबंध बनाऊं। तब इंद्र देवता ने मुर्गे का रूप बनाया और मुर्गे का रूप बनाया जो गौतम ऋषि मुनि 4 बजे उठते हैं, तो 2 बजे उन्होंने क्या किया, मुर्गे का रूप बनाकर उसकी आवाज लगाई। तब गौतम मुनि को लगता है 4 बज गए हैं। गौतम ऋषि मुनि अपना गमछा लेकर रुमाल लेकर नहाने को गए, गंगा नदी में पवित्र होने को जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंद्र देवता है वो गौतम मुनि का रूप बना के अहल्या के साथ संबंध बनाए, गलत कर्म किया। अहल्या को पता नहीं है, अहल्या को लगा मेरे पति देव है गौतम मुनि है, लेकिन गौतम के नाम पर वो इंद्र देवता था। बताइए, स्वर्ग का देवता इंद्र
उसकी भी ये दशा है जीवन में, तो संसार के व्यक्ति तो ऐसा गलत कर्म करे इसमें कौन सी बड़ी बात है। स्वर्ग के देवता इंद्र ने कितनी बार ऐसा अपराध किया है, ऐसा कहते हैं अहल्या को पता नहीं था। और गौतम ऋषि मुनि जब गंगा में स्नान करने गए तो गंगा नदी प्रकट होकर कहने लगी कि अरे ऋषि मुनि, तुम तो प्रतिदिन 4 बजे आते थे और 2 बजे क्यों आए? क्योंकि भरी भरी नींद, रात में कभी स्नान नहीं करना चाहिए, सब तीर्थ शयन करते हैं। तो कहा कि आप अभी स्नान नहीं कर सकते। तो गौतम ऋषि मुनि फिर से वापस आए, लेकिन इंद्र देवता घर में से बाहर निकला गौतम वाला रूप बनाकर। तो गौतम मुनि को कहा, तो मैं यहाँ पर हूं, तो ये गौतम कौन बनकर आया है? तो उसको श्राप दे दिया, कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं इंद्र हूं और मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ गलत कर्म किया है। तब गौतम मुनि ने उस इंद्र देवता को श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर पे 1000 भग्न हो जाए। बहुत गंदा श्राप दिया, तुम्हारे शरीर पे 1000 भग्न हो जाए। तब इंद्र देवता ने कहा कि मेरी कितना नाम है पूरे स्वर्ग में, और ऐसा श्राप मुझे दोगे तो मेरी क्या वैल्यू रहेगी? तब इंद्र देवता को क्षमा करके कहा कि तुम्हारी 1000 आंख हो जाएगी पूरे शरीर में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब आंख हो जाएगी, तो आदमी कैसा लगेगा बताओ? ऐसा श्राप इंद्र को लगा है अभी। और इंद्र देवता का नाम है सहस्त्राक्ष। क्या है? सहस्त्राक्ष। उस दिन से पड़ा इंद्र देवता शर्म के मारे स्वर्ग में चला गया, ऐसा पापी जीवात्मा। लेकिन अहल्या तो सोच में पड़ गई कि ये मेरे पति है कि ये मेरे पति है। गौतम मुनि ने कहा, तुमको ये भी पता नहीं है कि तुमने इतना निम्न गंदा कर्म किया? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। अहल्या तो हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी को प्रार्थना कर रही है। अहल्या का इसमें कोई दोष ही नहीं है, कोई भूल ही नहीं है, लेकिन अहल्या को श्राप मिल गया। तब अहल्या ने कहा, स्वामी ऐसा श्राप मत दीजिए। तब गौतम मुनि ने कहा, ये श्राप तो तुझे लगेगा ही, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि इसी रास्ते से जंगल के मार्ग में आने वाले समय में जब भगवान राम प्रकट होंगे तो इसी आश्रम से जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे मस्तक पर अपने चरण रखेंगे। अहल्या ने कहा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से पूरी कथा विश्वामित्र ने भगवान राम को सुनाई। तो हे प्रभु राम, आप आपका चरण अहल्या के मस्तक पर रखो। और अहल्या के मस्तक पर भगवान ने चरण जैसे ही रखे, अहल्या बहुत ही सुंदर हो गई दिखने में, और पहले से भी सुंदर होने लगी। इस संसार में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं होगी जितनी सुंदर अहल्या हो गई। और अहल्या भगवान को प्रार्थना करती है, पर सद पद पावन शोक न सावन
अपने मस्तक अपने चरण अहल्या के मस्तक पर रखे। अहल्या बहुत सुंदर स्त्री हो गई और अहल्या प्रार्थना कर रही है, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोई रही। अहल्या को भगवान को देखती रही गई और भगवान से प्रार्थना करती है, पति प्रेम अधीना प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवही वचन कहीं। कहते हैं मुख में एक भी वचन नहीं आ रहे हैं क्योंकि साक्षात भगवान खड़े हैं। अति सही बड़े भागी चरण नहीं लागे। आज मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे सामने प्रभु राम खड़े हैं और भगवान को प्रणाम करके कहते हैं अति निर्मल वाणी। कहते निर्मल वाणी से भगवान को स्तुति कर रही है। कहते हैं मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। हे प्रभु राम मैं तो नारी अपावन हूँ लेकिन प्रभु आप कैसे हैं? आप तो जगत को पवित्र करने वाले हैं भगवान। राजीव मिलोचन अहल्या भगवान को प्रार्थना कर रही है। अहल्या कहती है कि राजीव विलोचन रावण रिपु जन सुखदायी। कहे प्रभु आप कैसे हैं? रावण को मारने वाले हैं। अभी तो भगवान अयोध्या के राजा भी नहीं बने हैं, 14 साल वनवास नहीं हुआ है, सीता जी का अपहरण नहीं हुआ है, लेकिन पहले से पहले से क्या बज रहा है? थोड़ा कम करो। पहले से अहल्या ने सब कुछ बता दिया। तो ये है जब कोई भगवान किसी को स्पर्श करते हैं ना तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान उसे हो जाता है और यहाँ पर अहल्या को भी तीनों कालों का ज्ञान हो गया। कहते हैं सीता जी के विषय में पूरी बात बताई और रावण रिपु चल रिपुआई सुखदाई। इस प्रकार से राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं नाही मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना। हे प्रभु मेरे स्वामी ने मुझे जो श्राप दिया है अति बल कीना बहुत अच्छा किया। अगर श्राप नहीं दिया होता तो प्रभु आज आपके दर्शन नहीं होते, आज आपके चरण मेरे मस्तक पर नहीं आते। इस प्रकार से अहल्या भगवान को प्रार्थना करके अपने धाम में चली गई। जहाँ उनके पति देव थे ना वहां पर अहल्या चली गई। शास्त्र तो ये बताता है कि जो इस संसार में भी पति और पत्नी अच्छा जीवन जीते है तो वैकुंठ में भी वही पति पत्नी को जीवन मिलता है, ये हमारे वेद में बताया गया है। इसलिए अहल्या भी कहाँ गई? जहाँ उनके पति गौतम ऋषि मुनि थे ना वहां पर अहल्या को भगवान ने भेज दिया। और इस प्रकार से भगवान बड़े हुए और आगे बढ़े और सभी असुरों का उन्होंने वध किया। तब विश्वामित्र जनकपुर में लेकर गए और जनकपुर में गए तो लगभग भगवान राम की उम्र 17 या 18 वर्ष की थी और भगवान राम पहली बार जनकपुर में गए और जनकपुर में बगीचे में गार्डन में जब गए तो सीता जी फूल तोड़ रही थी और सीता जी को पहली बार जीवन में देखा। तब लक्ष्मण जी को कहा कि हे लक्ष्मण रघुवंश की जो पुत्र होते हैं रघुवंश के राजा होते हैं उनकी दृष्टि कोई भी पराई स्त्री पर नहीं जाती है लेकिन आज मेरी दृष्टि सीता पर जा रही है।
निश्चित ये तुम्हारी भाभी बनेगी, इस प्रकार से भगवान राम ने कहा। और वहां पर जनक राजा ने एक बहुत बड़ा प्रण लिया था कि इस धनुष को अगर कोई तोड़ देगा, प्रचंडता चढ़ाएगा, खाली प्रचंडता चढ़ाना है, इतना करेगा तो उसके साथ में मेरी बेटी का विवाह करूंगा। शिव जी ने वो धनुष परशुराम को दिया था, और परशुराम जी ने वो धनुष किसको दिया? जनक राजा का। तो जनक राजा जब परशुराम जी के यहाँ से धनुष लेकर आए थे तो लगभग 1500 पहलवान लगे थे, 1500 बड़े बड़े पहलवान वो धनुष को उठाने के लिए, और वो भी एक साथ नहीं लाए थे, दो दो मिनट उठा के, जैसे बोरी नीचे से उठा के ऊपर लाना पड़ता है ना, तो कभी फर्स्ट फ्लोर पे रखते हैं, कभी दो दो सीढ़ी चढ़ के ऊपर रख देते हैं, अरे मां बहुत भारी है, ऐसे धनुष है ना, थोड़ा 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 उठा उठा के उसको लेकर आए थे। इस प्रकार से सीता जी केवल 5 साल की थी, कितने 5 साल की, और सीता जी ने वो धनुष इतना बड़ा था तो कोई उसको साफ नहीं करता था, क्योंकि बहुत वजन वाला था। तो सीता जी ने क्या कहा, सोचा कि चलो इसको साफ कर देती हूँ थोड़ा। धनुष के नीचे है ना बहुत धूल जमी थी, तो सीता जी ने पोछा लिया और एक उंगली से वो पूरा धनुष उठाया और ऐसा हाथ करके साफ करके फिर धनुष रख दिया। 5 साल की लड़की बेटी, और थोड़ा सा धनुष हिल गया तो जनक महाराज रोज दर्शन करने आते थे, सुन रहे हो ये धनुष को कौन छुआ था, सब लोग डरने लगे, सीता जी की माँ भी डरने लगी, सब लोग डरने लगे, अब तो कुछ हो जाएगा। लेकिन जनक महाराज को कहा कि ये तो धनुष सीता जी ने उठाया, क्या बात कर रहे हो, 5 साल की छोटी बच्ची, अरे ये धनुष को लाने के लिए 1500 पहलवान लगे थे, लेकिन सीता जी ने क्या किया, एक उंगली उठाया और धनुष को नीचे से जमीन साफ करके फिर धनुष रख दिया। जनक महाराज सोच में पड़ गए, अगर मेरी बेटी इतनी बलवान है, इतनी शक्तिशाली है, इसके समान दुल्हा भी होना चाहिए, ये तो लल्लू पंजू हो गया था। तब उन्होंने एक प्रण लिया कि ये धनुष को उठाकर इसकी रस्सी प्रचंडता चढ़ाएगा, उसके साथ में मेरी बेटी का विवाह करूंगा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ा कहते ना स्वयंवर रचा, स्वयंवर, और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए, उस स्वयंवर में रावण भी आया था, और उस स्वयंवर में देश देश के भूपति नाना, बड़े देश देश के बड़े बड़े राजा उस सीता जी के साथ विवाह करने के लिए आए, सब लोग आए और सब लोग बैठे, कहते देवता लोग भी मनुष्य का रूप बनाकर वहां पर आए थे। कहते हैं जनक महाराज ने पूरी सभा में सब लोग बैठे और सब लोग गणपति के पास जाकर प्रार्थना करके आए थे कि हे गणेश जी, अगर मेरे से ये धनुष टूटेगा तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और बाद में दूसरा व्यक्ति आया कि हे गणेश जी, अगर मेरे से धनुष नहीं टूटेगा तो कोई वादा नहीं, लेकिन दूसरे से अगर नहीं टूटेगा, किसी से नहीं टूटेगा तो 2 किलो चढ़ाऊंगा। अगर मेरे से नहीं टूटे तो कोई वादा नहीं, लेकिन दूसरा कोई तोड़ना नहीं चाहिए तो 2 किलो चढ़ाऊंगा। और इस प्रकार से सब लोग आके वरदान मांग के सब लोग बैठ गए, और सब लोगों को कहा कि चलो अब स्वयंवर चालू होगा, कौन प्रचंडता चढ़ाता है। तो जो लोग अपने आसन पे उठते थे उसको तो ऐसा ही लगता था कि मैं धनुष तोड़ूंगा, और जैसे ही वो धनुष को उठाने जाते थे धोती निकल जाती थी। सब बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, रावण भी आया लेकिन रावण भी धनुष को हिला भी नहीं पाया, इतना सारा इतना बलशाली राजा था। लेकिन सब लोग जब धनुष कोई तोड़ नहीं पाया, तब जनक महाराज कहने लगे कि मुझे तो, जनक महाराज ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि ये पूरी पृथ्वी वीरों की है और यहाँ पर इस सभा में बड़े बड़े वीर आए हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जब ऐसी बात कहा तब उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हुए, जनक राजा जिस सभा में राम और लक्ष्मण दशरथ राजा के पुत्र हो, आपके मुख से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं।
अरे मेरे भैया एक बार अगर मुझे कहे तो मैं इस पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह फेंक दूं, पूरे ब्रह्मांड को हिला दूं। इस प्रकार से जब कहने लगे तब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण शांत हो जाओ, आप भैया कुछ कहते क्यों नहीं हो। तब लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण लालिमा आ गई है तो सूरज भी उगेगा। देखा आपने सूरज सवार सुबह सुबह सूरज उगता है तो क्या होता है पहले, तो लक्ष्मण जी के ऊपर क्या हो गया था, पूरा चेहरा कैसा हो गया था। लक्ष्मण जी को कहा लालिमा आ गई है तो अब सूरज भी उगेगा। और इस प्रकार से विश्वामित्र ने कहा, उठो राम भंजहु भव चापा, हे राम उठो और इस धनुष की प्रचंडता को चढ़ाओ। और जैसे ही गुरु की आज्ञा ली और कहते एक छोटा सा बालक जैसे एक धनुष को उठाता है, भगवान राम ने उस धनुष को उठाया। कहते सूर्य की गति पूर्व से पश्चिम की ओर चली गई और हिमालय में जितने भी ऋषि मुनि उनकी तपस्या भंग हो गई। जैसे ही वो धनुष चढ़ाया और धनुष टूटा, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र खोलने लगा और सब लोग सोच में पड़ गए क्या हो गया, प्रलय हो गया। और इस प्रकार से धनुष को तो टूट गया लेकिन सब लोग चिंतित हो गए क्योंकि उस सभा में परशुराम जी आ गए। परशुराम जी आए और परशुराम जी ने कहा, मूड जनक इतने सारे क्षत्रियों को क्यों जमा किया है, तुझे पता नहीं है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं। सब लोग अपनी अपनी पहचान को बताने लगे कि मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का राजा हूं, मैंने धनुष नहीं तोड़ा है, मैं तो क्या यहाँ देखने आया हूं। सब लोग डरने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, अरे बचपन में आपने तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे धनुष तोड़ दिए, तब तो कोई आया नहीं, आप कहां से आ गए। जनक विश्वामित्र इस बच्चे को शांत कर दे, ये तो अभी इसकी खैरियत नहीं है। इस प्रकार से परशुराम जी बोलने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, बार बार परशु दिखाते हो, बार बार परशु दिखाते हो, आपके परशु से मैं डरता नहीं हूं। और इस प्रकार से कहा, परशुराम जी आपने ये यहाँ पर तिलक लगाया है, गले में जनोई है, ये दोनों निकाल दो फिर रण में आओ बताओ, फिर बोलेंगे फिर फरसा दिखाना, फिर मैं आपको बताता हूं। विश्वामित्र समझा दे, लेकिन विश्वामित्र भी कुछ नहीं बोले। और भगवान राम ने कहा शांत हो जाओ। तब भगवान राम ने कहा, बहुत सुंदर, भगवान राम ने कहा तुमसे ये केस सॉल्व होने वाला, विश्वामित्र को मुझे सौंप दो, परशुराम जी को मुझे सौंप दो। और भगवान राम उठे और भगवान राम ने कहा, मेरा नाम तो मात्र राम है लेकिन आपका क्या है, आप तो मेरे से भी बड़े हो परशुराम। मेरा नाम क्या है, केवल राम है लेकिन आपका नाम तो परशुराम है, तो आपके ही कोई दास ने ये धनुष तोड़ा होगा। इस प्रकार से सुंदर वाणी से परशुराम जी ऐसे क्रोधित हो गए थे लेकिन परशुराम जी को भी शांत कर दिया और परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर संवाद है रामचरितमानस में, लेकिन वो गाने से बहुत आनंद आता है और पीछे भी उसमें बोलने वाला होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, मुझे बोलना पड़ता है दो बार, इसलिए मैं गला बैठ जाता है, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ लेकिन गाता नहीं हूँ, लेकिन कथा खाली कर रहा हूँ। तो बहुत सुंदर संवाद है। और आगे फिर राम और सीता जी का विवाह होता है और दोनों अयोध्या में आते हैं। और जैसे ही अयोध्या में आते हैं, कैकेयी उनको सोने का भवन देती है और सोने के भवन में दोनों कैकेयी देती है, मुंह दिखाए में देते हैं। और यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण और सभी भाई शांति पूर्वक जीवन जी रहे थे, लेकिन एक समय की घटना है कि भगवान दशरथ राजा अपने महल में अपना मुकुट जब निकाल कर वहां पर रख रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि मेरे कान के ऊपर यहाँ पर एक सफेद बाल आया है। तब जनक दशरथ राजा को लगा कि अब मुझे है ना जंगल में जाना चाहिए, वन में जाकर तप करना चाहिए। और इस प्रकार से दशरथ राजा ने सोचा कि हे वशिष्ठ ऋषि मुनि, कौन सा समय अच्छा है कि उस समय में हम राम को राजा बनाएं। तब कहने लगे, जिस समय आप भगवान राम को राजा बनाएंगे वही समय अच्छा होगा। सुबह ही
सुबह ही सबको न्योता दे दिया कि सुबह राम का राज्याभिषेक, रात को ही राम को कह दिया। लेकिन सब देवता लोग आपस में बात करने लगे कि राम अगर राजा बन जाएंगे तो वन में असुरों का कौन वध करेगा, रावण का कौन वध करेगा, इसलिए कैसे भी करके हमें भगवान राम को वन में भेजना होगा। तो यहाँ पर सरस्वती के पास गए और सरस्वती को कहा कि आपको एक काम करना होगा, अयोध्या में जाकर किसी की मति को बिगाड़ना होगा। सरस्वती जी कहती है कि जिसने सरयू का पानी पिया है और जो अयोध्या में बड़ा हुआ है उसकी मति को तो मैं भी बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन कैसे भी करके सरस्वती जी अयोध्या में गई और उसको कोई नहीं मिला, लेकिन अंत में एक पात्र मिला और वो है मंथरा। मंथरा पात्र मिला और मंथरा की जीभ पर सरस्वती बैठ गई और मंथरा के पूरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंथरा उस समय मरी नहीं थी, आज भी कलयुग में मंथरा गली गली में जीवित है। एक दूसरे का चुगली करना, यहाँ से वहां यहाँ से वहां, मैं तुझे बोल रही हूँ लेकिन किसी को और को बताना मत, ऐसे करके दूसरी बोलती है मैं तुझे बोल रही हूँ लेकिन किसी को बताना मत, ऐसे करके पूरा पेपर में बाद में कल आएगा लेकिन पूरी अगले दिन पूरी बात सबको पता चल जाएगी कि ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसा बोलती किसी को बोलना मत, हाँ मैं तो आपको बोल रही हूँ ना, ये सच बात है, किसी को बताना मत, मैं तो केवल तुम मेरी सहेली हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और वो दो लोगों को जाके बताया, लेकिन तुम किसी को बताना मत, हाँ मैं तो बताया है, ऐसे करके पूरा गांव में सबको बता। ऐसे मंथरा जाके कई कई को कहा कि यहाँ पर बहुत अनर्थ हो रहा है अयोध्या में और बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, कहा तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है। बोलते क्या हुआ, कहते राम को राजा बना रहे हैं और आपको दासी बनाएंगे। बहुत सारी बात की लेकिन जब कहा कि राम को राजा बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, राम राजा बने उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप दासी बनोगी और भरत दास बनकर रहेगा। इस प्रकार से कहा तो कई कई की मति भी बहुत घूमने लगी और कई कई कहने लगी तो मुझे क्या करना चाहिए। तब मंत्रा ने कहा कि दो वचन मांग लेना। कौन सा वचन, जब युद्ध भूमि में स्वर्ग में आपको ले गए थे तो आपने दशरथ राजा को जिताया था, दशरथ राजा ने कहा था दो वचन मांगना, तो अब दो वचन मांगो। उसके लिए क्या करूं मुझे, तो आपको कोप भवन में जाना पड़ेगा और कोप भवन में जाकर आप वहां पर रहो और दशरथ राजा जब वहां पे आएंगे तो आप दो वचन मांगोगे। कई कई वहां से गई और वो भवन में जाके बैठ गई और मंथरा रास्ते में जा रही थी, लेकिन दशरथ राजा सबसे पहला समाचार कई कई को देने जा रहे थे कि कल सुबह राम को राजा बनाएंगे। ऐसा कहने जा रहे थे, मंथरा सामने मिली, कहा कई कई कहा है, अरे वो तो वो भवन में जा रही थी मैंने अभी देखा, और मंथरा वहां से चली गई। यहाँ पर दशरथ राजा कोप भवन में गए और कई कई को कहा कि क्या आप क्यों ऐसा मूड बनाए हैं। तब कई कई ने कहा कि मुझे दो वरदान चाहिए। अरे दो नहीं लेकिन 200 मांग लो, लेकिन आपका ये मूड ठीक करो क्योंकि कल सुबह राम को राजा बनाएंगे। और जैसे ही ये बात सुनी तो कई कई का हृदय कांपने लगा, जलने लगा, जैसे कोई किसी को लगा हुआ रहता है और उसके ऊपर कोई नमक डालता है तो कैसा लगता है, किसी की उंगली कट जाती है उसके पर नमक, बस ऐसे ही कई कई के हृदय पूरा जलने लगा और कहे के मांगो मांगो न देव कुछ ही, बार बार कहते हो मांग लो लेकिन कभी देते नहीं हो, अरे मांगो क्या चाहिए, पहला वर भरत को राजा बनाओ, बस इतनी सी छोटी बात। तो वैसे भी राम को कोई राजा बनने में रुचि नहीं है, चलो भरत को कल राजा बनाएंगे, दूसरा वर मांगो। और जैसे ही दूसरा वर मांगा दशरथ राजा के प्राणों का अंत हो गया और वो वर है दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 बरेस राम वनवासी। तापस
वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के लिए राम को वन में ढकेल दो, ये मेरा दूसरा वचन। जैसे ऐसा कहा दशरथ राजा राम करके पृथ्वी पर गिर गए कि ऐसा मत मांगो, राम मेरे प्राण है इसे मत मांगो। इस प्रकार से दशरथ राजा तो धरती पर पड़े हैं, भगवान राम तो राजा का पहनवेश पहनकर आए हैं माँ से आशीर्वाद लेने, लेकिन उनको पता चला कि दशरथ राजा ने और कैकेयी ने आदेश दिया है कि आपको तपस्वी के वेश में वन में जाना है। तो यहाँ पर भगवान राम तपस्वी का वेश पहन लिया, पेट में पानी भी नहीं हिला। ये है भगवान राम का चरित्र। और भगवान हम सबको सिखाते हैं कि जीवन में चाहे दुख मिले या सुख मिले, हर मार्ग में हमको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दुख मिला है तो भजन छोड़ दो, नहीं, भले दुख मिले या सुख मिले लेकिन भगवान का भजन जीवन में कभी नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी आए क्रोधित होकर और लक्ष्मण जी कहने लगे कि आपको किसने कहा कि जंगल में जाना, दशरथ को, अरे दशरथ को अभी मार डालूंगा, ऐसा वैसा अनाप शनाप बोलने लगे। तब लक्ष्मण जी को कहा कि हमारे पिताजी है ना धर्म संकट में फंसे हुए हैं, आपसे ऐसी वाणी नहीं बोलिए। तब कहा कि आपको अगर वन में जाना है तो आप मुझे भी साथ में ले जाइए। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे भी साथ में ले जाइए, लेकिन भगवान राम कहते हैं आपकी माँ का आदेश लेकर आइए तो मैं आपको लेकर आऊंगा। और माँ का आदेश लेकर लक्ष्मण जी भी आते हैं और सीता जी भी बहुत सुंदर उपदेश देती है कि मुझे भी आपके साथ में प्रभु राम ले जाइए। कहते हैं कि सास ससुर सेवा और नहीं धर्म दूजा। कहते हैं सीता, सास और ससुर की सेवा करनी यही सबसे बड़ा धर्म है, ये रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं। लेकिन सीता जी कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि पति की सेवा करना, क्योंकि मेरे पिता ने कहा कि जहां तेरा पति हो वहां तुझे रहना है। इस प्रकार से सीता जी भी कहती कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। और तीनों लोग राम सीता और लक्ष्मण तीनों लोग वन में जाने के लिए तैयार है। आगे क्या होगा वो कल दोपहर को 2 बजे मैं आपको बताऊंगा। हरे कृष्ण। गजराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। सब लोग खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। आरती पावन पुराण की। आरती पावन